नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर वन देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1,000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊंगा। आपका अपना अरविंद। जय।